हेलो वेलकम टू TNT। इस वीडियो में जानते हैं 27 नवंबर का इतिहास और कुछ परम जन्मदिन भी। यदि आपका भी आज जन्मदिन है तो करेंगे वो भी सेलिब्रेट। तो आइए तमाशा देखते हैं। 27 नवंबर 1815 पोलैंड साम्राज्य ने संविधान को अपनाया यानी संविधान लागू हुआ 27 नवंबर 1815 को। 27 नवंबर 1895 अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की 27 नवंबर 1895 को। 27 नवंबर 1947 पेरिस में पुलिस ने कम्युनिस्ट समाचार पत्र के कार्यालय पर कब्जा किया 27 नवंबर 1947 को। 27 नवंबर 1932 पोलैंड और तत्कालीन सोवियत संघ ने अनाक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर किए 27 नवंबर 1932 को। 27 नवंबर सन 2000 फ्लोरिडा में डाले गए मतों की गिनती में जॉर्ज बुश 537 मतों से जीते 27 नवंबर 2000 को। 27 नवंबर सन 2002 बेलारूस के प्रधानमंत्री जेनेदी वी निवित्स्की ने भारत यात्रा पर नई दिल्ली आए 27 नवंबर 2002 को। 27 नवंबर सन 2007 पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपने सैनिक साथियों से विदाई ली 27 नवंबर 2007 को। 27 नवंबर सन 2004 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष जुआन सोमाविया भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे 27 नवंबर 2004 को। 27 नवंबर सन 2008 छठा वेतन आयोग देने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना 27 नवंबर 2008 को। 27 नवंबर सन 2008 केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के वेतन में 3 गुना बढ़ोतरी को हरी झंडी दी 27 नवंबर 2008 को। आप जानते हैं 27 नवंबर के कुछ जन्मदिनों के बारे में। 27 नवंबर 1907 भारतीय कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ। 1986 भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना का जन्म हुआ। 1952 भारतीय गायक बप्पी लहरी का भी जन्म हुआ और 1950 भारतीय अभिनेता अनिल धवन का भी जन्म हुआ। इन सबको इनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज के दिन अगर आपका भी जन्मदिन है तो आपको भी आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। आपके जीवन के लिए जो उचित और सर्वश्रेष्ठ हो भगवान उसे हमेशा परिपूर्ण करें। 27 नवंबर को जन्मे लोग राशि धनु राशि यानी सैजिटेरियस अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट के होते हैं। बहुत ओपन माइंडेड होते हैं और बहुत सुंदर भी होते हैं और साथ में थोड़ा इनसेंसिटिव भी होते हैं। ज़रूरी नहीं आपकी राशि भी यही हो, आपकी राशि कुछ और भी हो सकती है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, वो आप चेक करवा लें। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से है। इस वीडियो में इतना ही। आप जानना चाहते अगर और भी दिनों का इतिहास तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगी सारी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।